उसको हॉस्पिटल लेकर आए। बिल्लू की तबीयत सही नहीं है। कैसे बैठी है वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि मैं बिल्लू को डॉक्टर के पास लेके गई थी, इसकी तबीयत सही नहीं थी और उसको फीवर हो रहा था और मतलब थोड़ा सी इन्फेक्शन भी हो गया था। तो अब माशाल्लाह सेट है। वो तीन दिन उसको लेकर बराबर मैं हॉस्पिटल ले गई हूँ, उसको इंजेक्शन लगे हैं, वो सेट है। तो चलिए अब उसको मैं नहलाती हूँ, आज वो नहना ही करेगी। अब पानी भी मैंने नीम गरम रखा है पानी, ताकि अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है ना। फिर देखो फिर बोल लिए नहाने की किसी छोरे मल्लू। गंदी भी तो कितनी हो रही है। गंदी भी बहुत हो रही है, इधर उधर चली जाएगी। वैसे भी अब वहां घर पे ठंड लगे, क्या है क्या नहीं है। अब सर्दी आ रही है तो मिला मम्मा, ये ना जो नीचे गिर रहा है ना, ये मुंह में ना ले लो। नाखून फंस गए, सारा सर वापस गीला कर लिया हमने इसने। गंदा बन गया।
अब पता चल गया ऊपर से कुंडी लगी हुई है। हाँ तो खड़ी हो रही है। सो व्यूअर्स मैंने उसको नहला दिया है और वो अपने आप को खुशक कर रही है क्योंकि लाइट चली गई। मैं उसको ड्रायर करती लेकिन वो अभी लाइट गई हुई है 2 आवर्स के लिए, तो इस वजह से वो खुद ही अपने आप को खुशक खुशक कर रही है। फिर वो जब माशाल्लाह अच्छी अच्छी सी लगेगी तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें आमद ने पूरा कमरा फैला के रखा हुआ है खिलौनों से और बाहर से आ रही है रोने की आवाज़। तो ये आमद साहब गिर गए थे, साइम से शायद धक्का वक्का लग गया था, वो ट्यूशन गया तो रो रहा था। और अब आपको क्या पीना है अमन? दूध पीना है। ये आपने क्या किया है, ये क्या किया है आपने? चाले गिला दिए, इतने गिलाए जी। मुझे बोलो ये तो। अच्छा बच्चों वाला घर ना सिमट नहीं सकता है, हर वक्त फैला हुआ रहता है। बिल्लू देखे कहाँ बैठी हुई है अलमारी के ऊपर चढ़ के, उसको सर्दी लग रही है। तो किस किस्म का मुंह फाड़ा है बिल्लू, आप साफ साफ ही हो गई। आज तो आपके पास से खुशबू आ रही है शैम्पू की, हैं बिल्लू? सो व्यूअर्स बिल्लू को मैंने वॉश वॉश करवा दिया है, बिल्लू अब माशाल्लाह अब सोएगी भी। और बच्चे भी देखें, आमद भी खेल के सो गया है और अभी उठ जाएगा ये 9-10 बजे तक, फिर रात के 2 या 3 बजाएगा। सिरलेक खिलाया मैंने इसको और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, फिर सिपारा और फिर अभी खाना वाना खा के फिर ये लोग लेट जाएंगे, मैं भी इनके साथ लेट जाऊँगी। तो ब्लॉगिंग थोड़ी सी मुश्किल टफ हो रही है मेरे लिए क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ी टफ होती है, बच्चों के साथ साथ घर का काम, बच्चे और आजकल थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का भी काम चल रहा है, घर के काम होते हैं। अभी मैंने बिस्तर निकाले हुए हैं, सारी मतलब जो हाउसवाइफ है उनको पता होगा कि अब सर्दियां आ रही हैं तो बिस्तरों को वॉश करना, उनके मतलब जो ऊपर के अपर्स होते हैं वो वॉश करना और धूप लगाना, ब्लैंकेट्स वगैरह भी मैंने, खैर मैं तो वॉश करके रखती हूँ, फिर मैं जब आने वाली सर्दी होती है तो फिर धूप लगा देती हूँ। और बच्चों के मैंने सर्दी के कपड़े भी निकाले हैं, वो भी मुझे वॉश करने हैं ताकि मैं सब चीज़ें यहाँ से वॉश करके हम सर्दियों में ही शिफ्ट करेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा सब चीज़ें ना यहाँ से वॉश करके और साफ़ सुथरी करके और फिर मैं लेकर जाऊँ, तो क्योंकि वहाँ पर जाके भी मुझे सेटिंग करनी होगी, सेटिंग करूँगी या इन चीज़ों में लगूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा मेरा वर्क जो है वो बढ़ गया है, तो व्लॉग इसलिए मेरे 3-4 दिन जो है लेट हुआ है कि मैंने आज बिल्लू का बनाया। मैंने कहा चलें आज बिल्लू को साथ साथ मैं अपना दिखाती जाऊं कि बिल्लू को मैं कैसे रखती हूं। उम्मीद करती हूं मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और अपनी बहन को सपोर्ट करें। और मेरे वो व्यूअर्स जो इंडिया में देख रहे हैं, हाँ कुछ थोड़े पॉइंट्स में हैं लेकिन मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं 3 पॉइंट कुछ समथिंग है लेकिन उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी, और इराक में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।